विवेक श्रीवास्तव साहब, मोदी के करिश्मा फैक्टर के आगे बाकी सारी चीजें फीकी पड़ रही हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है, ये मानेंगे आप? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो बीजेपी अकेली चुनाव लड़ती। हाँ। ये लोक जनशक्ति पार्टी के पीछे भी दौड़े, वहां समीकरण बना नहीं, फिर उन्होंने नीतीश को बड़ा भाई बनाया अपना, जेडीयू को, उसके साथ गठबंधन करके जुड़े। तो ये कहना, देखिए अब वो आपकी कुछ सीटें आ रही हैं, वो भी आपकी कोलिशन की सरकार बनेगी अगर बनी तो 12 बजे रात को। तो इसमें कहना कि साहब मोदी फैक्टर से हम जीते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर थे, वेमेन वोट्स का अपना एक फैक्टर रहा है, जो शराबबंदी करी गई वहां पर वो एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहा है, वुमेन वोट्स जो है थोड़े से जेडीयू नीतीश की तरफ गए। तो बड़े सारे हिसाब से क्या मोदी फैक्टर ने जो एंटी इनकम्बेंसी थी 15 साल की, उसको ओवरकम नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया सर। कांटे की टक्कर अभी भी देखिए, आप रुझान कहीं भी हो सकता है। अगर अगर ये तो बच गए हैं बस बाल बाल। हाँ। किन्हीं कारणों से। हाँ। इसको नहीं कह सकते मोदी का करिश्मा है। नहीं, समीर, लेकिन मोदी का करिश्मा और एंटी इनकम्बेंसी है कि जेडीयू के सीटें इतनी कम हुई हैं। नहीं, अक्कू जी पूछ रहे हैं मोदी का करिश्मा नहीं है तो क्या है फिर ये? नहीं, मोदी का करिश्मा नहीं है ये, तो एनडीए को देखिए ना, 133 सीटें, महागठबंधन 100 से भी कम। मिक्सचर ऑफ, देखिए इसमें एक कंपोजिट फैक्टर्स है, मैं क्लियर बता देता हूँ। वुमेन वोट्स गए हैं नीतीश के तरफ और जेडीयू की तरफ, उनके कुछ ऐसे मेजर्स थे, वुमेन रिजर्वेशन उन्होंने बढ़ाया। हाँ। शराबबंदी करी, वुमेन वोटर्स रूरल एरियाज में भी थोड़े से खुश थे जेडीयू से, वो सारा वोट का तबका गया है, न्यूट्रल होकर के मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी हूँ उनका। तो उसी प्रकार से बीजेपी का अपना हिंदू मुस्लिम कार्ड जो ये चलाते हैं, बीजेपी ने अपने पोलराइजेशन किया है। और सीटों, देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हर्षवर्धन जी, की जो सीटों का चुनाव पार्टियां करती हैं अपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से करती है। जहां हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो सकता था वो सीटें बीजेपी को गई, जहां पे कुछ डेवलपमेंट दिखा के हो सकता था वो जेडीयू ने ली। तो ये इसको मोदी फैक्टर नहीं कह सकते आप, ये एक इलेक्शन प्लानिंग है। मतलब ये हुआ कि मोदी को माइनस कर दीजिए तो भी चुनाव आराम से ये लोग जीत जाते या इसी हालत में रहते? हाँ। नहीं, देखिए, हाँ, मैंने कहा ना कंपोजिट है, उसमें मोदी भी एक फैक्टर है, नेता हाँ। फैक्टर होता है, नीतीश भी फैक्टर है, जो दूसरे है। इनके मोदी हैं वो भी फैक्टर हैं। उसी प्रकार से हर चीज के हारने और जीतने के कंपोजिट है। देखिए, डबल डिजिट में महागठबंधन था, अगर महागठबंधन डबल डिजिट में तो कितनी क्यों मिल रही है? 34 का डिफरेंस आ चुका है दोनों के बीच। देखिए, बिल्कुल धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।